लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हो रही हलचलों से भी कोई अनजान नहीं है। सत्ता पर काबिज होने का कोई भी पार्टी जो है वो मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में एक दिन के उपवास पर बैठ गए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हो रही हलचलों से भी कोई अनजान नहीं है। सत्ता पर काबिज होने का ये मौका कोई भी पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती और देश की कमान संभालने के हर पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। उपवास पर बैठने से पहले उन्होंने राजघाट पर जाकर बापू की समाधि को श्रद्धांजलि दी और फिर आंध्र भवन में अपना उपवास शुरू किया। इस बीच कांग्रेस भी चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर नायडू के प्रति समर्थन दिखाने के लिए आंध्र भवन में जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं दिल्ली के आंध्र भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। धरने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के गुंटूर आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक दिन के धरने पर बैठे मुख्यमंत्री नायडू अपने मंत्रियों, पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ आंध्र भवन में धरने पर बैठे हैं। यही नहीं, नायडू को महागठबंधन के नेताओं का भी साथ मिल रहा है। सूत्रों के माने तो टीडीपी ने अपने समर्थकों को लाने के लिए दो ट्रेनें भी बुक कराई हैं। वहीं नायडू का साथ देने के लिए आंध्र भवन पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूँ। वो किस तरह के पीएम हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो झूठ बोलते हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत केंद्र के किए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। नायडू इस भूख हड़ताल के बाद कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। गौरतलब है कि एक वक्त एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही टीडीपी ने इस मुद्दे पर पिछले साल केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।